नमस्कार। ये छत्तीसगढ़ की एक नस्ल है। छत्तीसगढ़ में इसे पार बांस बोला जाता है। पूरा सीधा जाता है और अंदर से थोड़ा फूला, लेकिन तना चिकना रहता है। ऐसे हमें बारिश आने से पहले मिट्टी को चढ़ा देनी चाहिए, और मिट्टी चढ़ाने के उपरांत बारिश आने के साथ ही इसके नए पौधे निकलने लग जाते हैं। ये देखिए, जैसे नया पौधा है और भी है। तो मिट्टी चढ़ाना अवश्य है, इसलिए कि ये हमेशा धीरे धीरे अपना फैलाव को बढ़ाते जाता है। यहाँ पर एक और निकला है, ये निकला है। ये बाहर की तरफ नए पौधे निकलते रहते हैं, इसलिए इसे मिट्टी बराबर चढ़ाते चले जाएं। धन्यवाद।